होलिका दहन को शास्त्रों में काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली और शिवरात्रि की तरह ही होलिका दहन की रात भी दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही लोग होलिका दहन के दिन लकड़ियों पर कच्चा सूत लपेटकर उसकी पूजा करते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए और इसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन में अग्नि के जल जाने के बाद उसमें नई फसलों को डाला जाता है। उसमें गेहूं और जौ के साथ बालियां डालने का रिवाज है और कई लोग ऐसे भी हैं जो उसमें सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज की बालियां डालते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाके में लोग चना, जौ इत्यादि जो भी नई फसल खेतों में खड़ी होती है उसकी बालियों को होलिका की आग में जलाते हैं और फिर उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? होलिका दहन बसंत ऋतु के आगमन के बाद ही होलिका दहन होती है। बसंत ऋतु में जो भी अन्न उपजा जाता है, चना, गेहूं, जौ, ये सब बसंत ऋतु में उपजे जाते हैं। इसी लेकर के चना का हरा चना होलिका दहन में जलाया जाता है। गेहूं का बाली, जौ का बाली जलाने से बसंत ऋतु का प्रसाद है, इसलिए होलिका दहन में जलाया जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और हरा चना जलाने से उसके महाप्रसाद है, भक्त प्रहलाद का प्रसाद है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोहर आचार्य बताते हैं कि फाल्गुन मास की शुरुआत और नए धान की पैदावार घर में खुशियां लेकर आती है। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए होलिका दहन में गेहूं की बालियां भी डाली जाती है। मान्यता है कि खेतों में उपजने वाली धान और गेहूं की पहली फसल को ईश्वर और पूर्वजों को भेंट करने से पूरे साल घर में पूर्वजों के आशीर्वाद से सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि होली की अग्नि में गेहूं की 7 बालियों की आहुति इसलिए भी दी जाती है क्योंकि 7 का अंक शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि यही कारण है कि सप्ताह में 7 दिन और विवाह में 7 फेरे होते हैं और यही वजह है कि गेहूं की 7 बालियां होलिका की अग्नि में डाली जाती हैं। तो अगर आप भी होलिका दहन करने वाले हैं तो इस बार होलिका की अग्नि में नई फसल की 7 बालियों को जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लोकल 18 के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।